प्रीमियम 2.0 के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। चलते हैं हम सीधा सवाल के ऊपर। सवाल सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। डेवलपमेंट की थ्योरी में प्रमुख तौर पर कौन कौन सी आती है आपको? कोलबर्ग आती है, एरिक्सन आती है, और भी कई सारी आती है, जैसे क्या कौन हो गया, साइको सेक्सुअल हो गया, उसी के साथ आपका पियागेट हो गया, ठीक है, उसी के साथ आपका व्योगोत्स्की हो गया, ये सभी आपकी आती है। और इस बार जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है वो किसको किया है? वो किया है आपका जेम्स मार्सिया वाले केस में ना, तो उसको भी देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो मार्सिया की बात ऐसी रहेगी, मार्सिया का सवाल जो है पहली बार पूछा गया है, तो उसको भी देखेंगे यहाँ पर। ओबीडियंस ओरिएंटेशन इंटरपर्सनल नॉर्म सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? सही आंसर जो आपका होने वाला है यहाँ पर वो क्या है इस केस में? इस केस में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये जो है यहाँ पर सही आंसर है। आज्ञाकारिता परिबोधन क्या करता है आपका? वयस्क जानते हैं कि सही या गलत क्या है इस मान्यता पर आधारित नैतिक तर्कता। बी क्या है? अंतरव्यक्तिक प्रतिमान यानी कि दूसरों का अनुमोदन प्राप्त करने के आधार पर नैतिक तर्कता या तर्कना। उसी के साथ देखिए सामाजिक अनुबंध में क्या होगा? इस मान्यता पर आधारित नैतिक तर्क की समाज के सभी सदस्यों के लिए कानून अच्छा है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या बोलते हैं आपको? ये बोल रहे हैं कि सभी के लिए प्रयोग किए जाने वाले नैतिक सिद्धांत पर आधारित नैतिक तर्कता। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्स क्या होता है? सब जगह सार्वभौमिक, एथिकल मतलब नैतिकता, और प्रिंसिपल यानी कि आपके जो मूल है विषय उसकी बात है। तो मॉरल बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल मतलब पूरे यूनिवर्स को अप्लाई होंगे। तो डी के साथ क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टार्टिंग में होता है आपको ओबीडियंस, जैसा बोला घर वालों ने वैसा ही काम करना है। ए के साथ क्या है? जो सही या गलत है उसके आधार पर काम करेंगे हम। देन बी के साथ देखिए इंटरपर्सनल रॉम्स क्या है? मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन वेरिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों की पसंद के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर काम करेंगे, अपनी जो मॉरल रीजनिंग है तर्कना हमारी इस प्रकार की हो जाएगी। और फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा आपका? बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लॉज आर फॉर द गुड ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लॉ के आधार पर आप जो है यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके सौजन्य से ये वीडियो मतलब आपको ये इमेज दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए लेवल टू जो आपकी हो गई कौन सी हो गई? प्री कन्वेंशनल, ये वाली हो गई आपकी कन्वेंशनल, और ये वाली हो गई आपकी कौन सी? पोस्ट कन्वेंशनल। ये आपको लेक्चर के अंदर ही बताया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे कौन कौन सी होती है। ओबीडियंस पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट आपका आता है, कन्फर्मिटी और इंटरपर्सनल देखा आपने, ठीक है, और फिर अथॉरिटी सोशल ऑर्डर आ गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आ गए। तो इस टेबल को आपको याद रख लेना है, इस टेबल को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, इसको आपने रट लेना है। जैसे आपने एरिक्सन को रटा है वैसे ही ठीक इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर रट लेना है। कोलबर्ग को अगर बार बार पूछेंगे तो आपसे बन जाएगा बड़ी इजीली। उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेज में क्या होता है, एक बार इसको आप फटाक से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, द एबिलिटी टू ऑफ ब्रेन टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट एंड टू रिप्लेस फंक्शन फॉलोइंग डैमेज इज नोन एज। डैमेज के बाद क्या करना है? इसको रिपेयर करना है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और हेमिस्फेरिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर। बड़ा ही आसान सा सवाल है, एक बार फिर से पूछ रहा है क्षति उपरांत पर्यावरण अनुकूलन व प्रकार्य प्रतिस्थापन की मस्तिष्क की योग्यता को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, तंत्रिका सुघट्यता, समंजन, आत्मसातकरण या फिर अर्धगोलीय समन्वय। ये तो पता है आपको कि अर्धगोलीय समन्वय यहाँ से कहीं से भी नहीं होने वाला है, यानी कि हेमिस्फेरिकल कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हेमिस्फेरिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ये और ये वाला मिलकर यहाँ से कॉर्पस कोलोसम से मिलकर बातें करते हैं, वो आपका होता है यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन क्या कर रहा है? अडॉप्ट कर रहा है एनवायरमेंट को और रिप्लेस कर रहा है उसके फंक्शंस को डैमेज होने के बाद। तो ये अकोमोडेशन भी नहीं है, एसिमिलेशन भी नहीं है। पियागेट अच्छे से किया हुआ है तो आपको मालूम है ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके पियागेट की थ्योरी के अंदर। इस पेपर के अंदर देखिए आपको ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, एटलीस्ट आपको ये तो मालूम है कि यहाँ पे ये भी दोनों भी आंसर नहीं होंगे। बचता क्या है लास्ट में आपके पास? न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही आपका सही आंसर है। लेक्चर में आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, सही आंसर क्या होने वाला है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगेन देखिए, होम्योस्टेटिक टेम्परेचर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है? चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ड्राइव रिडक्शन, प्रीऑप्टिक रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन। शरीर में समस्थैतिक ताप का विनियमन निम्न से कौन करता है? किसकी बात कर रहे हैं? शरीर में कर रहे हैं। शरीर में कौन सा होता है इनमें से? कौन सी चीज आपके शरीर में होती है बताइए? आपका हाइपोथैलेमस होता है, का प्रीऑप्टिक क्षेत्र जो है ये आपका रेगुलेट करता है आपका हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप जो है वो सब आपका रेगुलेट करता है। कौन आपका? आपका होम्योस्टेसिस यानी कि हाइपोथैलेमस। तो ये बड़ा ही इजी सा आंसर है यहाँ पर। प्रीऑप्टिक रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस जो क्या करता है? होम्योस्टेटिक टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। अगला सवाल देखिए, विच इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट रेने डिस्कार्टिस, उसके बारे में यहाँ पर क्या सही है ये आपसे पूछ रहे हैं। रेने डिस्कार्टिस के संबंध में निम्न में से सही व्याख्या कौन सी है? पशु और मनुष्य दोनों में मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है, बी सी डी। सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यहाँ पर। ठीक है, केवल बी सी डी जो यहाँ पर सही आंसर है। मनुष्यों की बात नहीं कर रहा था वो, मतलब पशुओं की बात नहीं कर रहा था।
ठीक है, दोनों मस्तिष्क में शरीर को नियंत्रित करते हैं या शरीर मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, जो भी है, इसकी बात नहीं हो रही थी। सही आंसर क्या होने वाला आपका, ऑप्शन नंबर टू, केवल बी सी डी ओनली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेने डिस्कार्ट ने क्या नोट करेंगे आप, ड्यूअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी की बात की, द माइंड वॉज फ्री एंड पजेस ओनली बाई ह्यूमंस, ये यहाँ पर बोला हुआ है, केवल ह्यूमंस के पास था। ही पॉस्टुलेटेड दैट द माइंड द बॉडी आर वेयर गवर्न बाई डिफरेंट लॉज, ठीक है, ये भी सही बात है, तीनों ही बोल रहे थे यहाँ पर। तो आगे ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या, कि एनिमल के पास नहीं है, पजेस्ड ओनली बाय ह्यूमंस, माइंड वॉज फ्री एंड पजेस्ड ओनली बाय ह्यूमंस, केवल किसके पास है, केवल हम मनुष्यों के पास यहाँ पर है। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो ऊपर वाला आपका जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एरर कंपोनेंट इन अनोवा, ये सेम आपका रिपीट है पीवाईक्यू, कहाँ का, 16 मार्च का, ठीक है, 16 मार्च का पीवाईक्यू है, अनोवा अच्छे से पढ़ के जाए। सही आंसर क्या आपके, विदिन मीन स्क्वायर की बात करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एरर कंपोनेंट, ठीक है, पीवाईक्यू आपका रिपीट नहीं होता है ना, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये देखिए अगला सवाल, परसेप्शन कॉन्शियसनेस फीलिंग्स बॉडी। अब आपको देखिए, आपको ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर आप बैठे हैं तो आपको सारी चीजें बननी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आपको केवल अच्छे और स्मार्ट तरीके से आपको जो है अपना आंसर निकालना है, 2 नंबर आपको वहां पर निकालना है, आपको अपने वहां पे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। आपको देखिए सिंपल सा, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना, रूप किसको बोलते हैं हम, इनमें से आप बताइए, परसेप्शन को आप रूप बोलेंगे, कॉन्शियसनेस को बोलेंगे, फीलिंग्स को बोलेंगे या बॉडी को बोलेंगे। मोस्ट लॉजिकल क्या है कि आप बॉडी को यानी अपने शरीर को ही क्या बोलते हैं, वो देखिए उसने रूप बदल लिया, यानी कि क्या बदल लेता है, वो शरीर बदल लेता है, वो जो इच्छाधारी नागिन है वो, ठीक है। तो शरीर और रूप तो ये जानते हैं आप एटलीस्ट, तो बॉडी और रूप तो आप मैच करेंगे, यानी डी के साथ क्या मैच होगा, डी के साथ आपको 4 मैच होगा, ठीक है। तो डी के साथ 4 मैच करते ही आपका आंसर निकल जाएगा, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। प्रत्यक्षण चेतना संवेदना, इनमें से किसको, इसको इनमें से किसको आप रूप बोलेंगे, वो सोचिए जरा, किसको रूप बोलेंगे आप, बट ऑब्वियस सी बात है अपने शरीर को यहाँ पर बोलते हैं रूप है, ठीक है। बाकी हाँ मैच कर लीजिए, प्रत्यक्षण विज्ञान चेतना वेदना और जो भी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं क्या है यहाँ पर। प्रत्यक्षण क्या है आपका, ये सन्ना की बात कर रहा है, चेतना किसकी है, विज्ञान की बात कर रही है, सी के साथ क्या है आपका यहाँ पर, संवेदना आपकी वेदना की बात कर रही है, संवेदना वेदना, देखिए कॉमन चीजें आ रही है यहाँ पर, सी के साथ 2 ऑब्वियसली मैच होगा। एंड शरीर देखिए किसकी बात कर रहा है, रूप की बात कर रहा है। सवाल कहाँ से लिया गया, यूनिट 1 का है ना, तो क्या आप यूनिट 1 में इसको पढ़ेंगे, नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको आप कॉमन सेंस से लगाएंगे, ठीक है। यूनिट 1 में वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपका उस पर कोई भी जोर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पेपर के अंदर रेने डेस्कार्टेस को पूछ लिया, कब से नहीं पूछा था, 2021 से नहीं पूछा था रेने डेस्कार्टेस के बारे में, आई गेस है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, यूनिट 1 में आपका कोई भी जोर नहीं है कि वो यहीं से ही पूछेगा, ठीक है। इस बार देखिए कभी तक नहीं पूछा था उसने पैराडाइम के बारे में, इस बार पैराडाइम के बारे में पूछ लिया, लेक्चर देखा था आपने, बन जाएगा वहां से आपको, ठीक है। लेकिन यूनिट 1 के ऊपर ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि आपसे पूछेगा, लेकिन डेवलपमेंट में हाँ गारंटी है, अटेंशन में हाँ गारंटी है, लर्निंग में हाँ गारंटी है। तो आपको क्या करना है, जहां पे गारंटी है कि ये सवाल आने वाला है, उन सवालों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप पढ़ने के लिए मौजूद है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, बहुत हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बॉडी को केवल सिंपली आपको किससे मैच करना था, रूप से मैच करना था, बॉडी और रूप मैच कर दिया, सही आंसर आपका यहाँ पर निकल गया। अगला सवाल देखिए, इन वन एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंशियल डिजाइन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ये होता क्या है, ठीक है। जहां पे आप लॉन्गिट्यूड और वाला दोनों मिक्स कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन वाला, वो आपका सीक्वेंशियल बन जाता है, उसी को क्या करना है, एक्सप्लोरेटरी करना है। खैर उससे कुछ खास मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी आपको ऐसे दिए हैं, या तो पहले ये वाला होगा या फिर पहले ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको आंसर करना है, आंसर सही क्या है यहाँ पर आपका, आंसर सही जो है आपका यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, बी डी ए सी ई। बी क्या है, क्वालिटेटिव, डी क्या है आपका, देन क्वालिटेटिव को एनालाइज करेंगे, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका, गुणात्मक दत्त संकलन आएगा, फिर गुणात्मक दत्त विश्लेषण आएगा। बट ऑब्वियस बात है, आप इसके बाद तो ये करने जाएंगे नहीं, और ना ही इसके बाद आप ये करने जाएंगे मात्रा वाली बात, फिर आपका मात्रात्मक आ जाएगा, मात्रात्मक आ जाएगा, और फिर आपका एंड में क्या आएगा, निर्वचन। एटलीस्ट आपको ऑप्शन देख के तो मालूम है ना कि ई लास्ट में आने वाला है, ई लास्ट में आने वाला है, प्रवाह खत्म, ये सबसे एंड में होने वाला है। अब आपको केवल चेक करना है ए बी में से क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं या कुछ भी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सिक्योरिटी डिजाइन की बात है, पहले क्या आएगी आपकी, पहले क्वालिटी आएगी, एंड देन क्या देखेंगे उसकी, आप क्वांटिटी देखेंगे। सिंपल सा देखिए, इसके लिए ऐसा कुछ बड़ा भारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल क्या जानना है आपको, आप देखिए कोई शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, शॉपिंग मॉल में क्या देखते हैं, पहले आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसकी क्वांटिटी पे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए आपको यहाँ पर कहा जाए कि आपको जो है टोमेटो खरीदना है, और टोमेटो की ये क्वालिटी है आपकी 20 रुपये किलो की, ठीक है, ये एक क्वालिटी का है, क्वालिटी 1, और दूसरा है आपका कौन सा, दूसरा है आपका यहाँ पर 2 रुपये किलो का, और ये है आपकी क्वालिटी 2। अब ये बताइए आप कौन सा खरीदना प्रेफर पसंद करेंगे आप पहले,
पहले 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 कौन सा प्रेफर करेंगे आप, पहले ये प्रेफर करेंगे या फिर ये प्रेफर करेंगे? आपके पास कितने ही आप पैसे नहीं हो, कितना ही कुछ ना हो, इसमें मान के चलिए 2 रुपए किलो में एकदम कीड़े लगे हुए हैं, सब कुछ एकदम खराब है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही हालत खराब है क्वालिटी के अंदर इस वाली की, ठीक है, तो बताइए कौन सा लेंगे आप? बट ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पर ये लेंगे, है ना। पहले आप क्या चेक कर रहे हैं, पहले आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं एंड देन उसके बाद कहाँ पर जाएंगे आप ना, उसके बाद आप क्वांटिटी पे जाते हैं, ठीक है। हमेशा देखिएगा किसी भी चीज के ऊपर आप पहले क्वालिटी देखते हैं उसके बाद क्वांटिटी के ऊपर आप जाते हैं, ये केवल आपका कॉमन सेंस की बात है। उसके आधार पर अगर आप देखेंगे आंसर आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करेंगे, सबसे पहले बी करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, जो डेटा हमारे पास आ चुका है उसका एनालिसिस करेंगे आप, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस बी, फिर आपका अगला कौन सा आएगा डी, और फिर ए करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एनालाइज करेंगे, और फिर आपका क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपने सारा कुछ पढ़ा हो, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो भी क्या होगा आपको यहाँ पर सवाल सॉल्व करते मिलेगा, है ना। आप सोचिए कोई भी एग्जांपल, पहले आप देखिए कभी भी आप क्वांटिटी नहीं देखेंगे, पहले आप कभी भी क्वांटिटी नहीं देखते हैं, हमेशा पहले क्या देखते हैं उसकी आप क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, क्वालिटी पे आप ध्यान देंगे उसका 99.9% केसेस के अंदर, ठीक है, अगर आप एक सामान्य बुद्धि वाले हैं तो, ठीक है। किस पे ध्यान देंगे आप? क्वालिटी पे आप ध्यान देंगे। आप देखिए टमाटर लेने गए आप क्वालिटी पे पहले ध्यान देंगे, कुछ और लेने जाएंगे तो भी आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, है ना। टीवी खरीदने जा रहे हैं आप, फ्रिज खरीदने जा रहे हैं आप, पहले किस पे ध्यान देंगे, एक्सप्लोर करते हैं आप क्या उसकी क्वालिटी को, है ना। तो आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, हमेशा हमेशा आपको ध्यान देना है क्वालिटी के ऊपर भी आपके अपने जीवन के अंदर। उसके बाद क्वांटिटी तो आपकी आ जाएगी, क्वालिटी भी आप जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद की सौदा होगा, ठीक है। सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर 4, बी डी ए सी ई ओनली, है ना। उसी प्रकार से देखिए आप सेल के अंदर भी जाते हैं, सेल के अंदर आपको मालूम है कि ये जो है 50 रुपए की 250 रुपए की शर्ट जो है वो 50 रुपए में मिल रही है, 50 रुपए में आपको 3 खरीदनी पड़ेगी, है ना, 50 रुपए में आपको 3 खरीदने मिल रही है। लेकिन आप जानते हैं क्या है, मेरे 50 रुपए आप वेस्ट होंगे क्योंकि उसकी क्या नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है। पहले ध्यान कहाँ पर जाएगा आपका? हमेशा क्वालिटी के ऊपर जाता है। इस आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है इसके अंदर। सही आंसर क्या है आपका? जंग की पर्सनैलिटी थ्योरी, फ्रॉइड की थ्योरी में एरिक फ्रॉम, देखिए यहाँ पे ये एरिक फ्रॉम जो है आपके क्या है, नियो फ्रॉइडियन है आपके एरिक फ्रॉम। ये क्या बोल रहे हैं, ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे 1900 में, यानी कि जब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आ रही थी तब ये पैदा हुए थे। बट ऑब्वियस सी बात है क्या कहलाएंगे ये आपके नियो फ्रॉइडियन कहलाएंगे। ये जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका सवाल पहले पूछा था आपसे, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ये एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के बारे में पूछा हुआ है। इसी के साथ आपको क्या ध्यान देना है, नियो फ्रॉइडियन के अंदर कई सारे हैं, उसमें से आपको एक और ध्यान रखना है कैरेन हॉर्नाय, ये भी नियो फ्रॉइडियन है जो आपको न्यूरोटिक एंजाइटी वगैरह के बारे में बताती है, सॉरी नीड्स के बारे में बताती है। एंड देन उसके बाद कौन है आपके यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है आपके ये फ्रॉम हो गए, एंड देन एक और है कौन है रह गया, वो एरिक्सन आपका, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, जंग्स की जो है पर्सनैलिटी थ्योरी यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे सी एच जंग है, सी जे जंग जो भी है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अब ये सवाल देखिए बड़ा ही आसान है, इसको आप गलत नहीं कर सकते किसी कीमत के ऊपर। ये देखिए अगला सवाल, स्टडी ऑफ वैल्यूज प्रिपेयर्ड बाय अल्पोर्ट वर्दोन एंड लिंडसी हैज सम बेसिक एरियाज, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है वो आपको बताना है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं इसके अंदर आपके, इसके अंदर आपके होते हैं यहाँ पर बी डी और ई, एस्थेटिक रिलीजियस इकोनॉमिक अरे अगेन यहाँ से आ गया है ऑप्शन नंबर 3rd जो है आपका यहाँ पर बी डी ई, ये इसके अंदर आते हैं तीनों ही, ठीक है, बी भी आता है, डी भी आता है और ई भी आता है, मॉरल और कॉग्निटिव नहीं आता है। अब यहाँ पर करते हैं अगला सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरियन द टेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल, किसके आधार पर करते हैं आप? पर्पस के, स्कोरिंग के, टाइम लिमिट, किसी आधार पर नहीं, किसके आधार पर करते हैं आप यहाँ पर? कंटेंट ऑफ आइटम के आधार पर करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मानदंड के आधार पर परीक्षणों को शाब्दिक परीक्षण अथवा अशाब्दिक परीक्षण में वर्गीकृत किया जाता है, किसके आधार पर करते हैं इसको हम? उद्देश्य मानदंड, ये सब नॉर्म्स के आधार पर, ये सब नहीं, किसके आधार पर करते हैं आपको हम? मदों की विषय वस्तु के आधार पर, है ना। कंटेंट ऑफ आइटम क्या है हमारे यहाँ पर? क्राइटेरियन ऑफ कंटेंट ऑफ आइटम्स जो होते हैं इसके आधार पर हम यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू पियागेट थ्योरी अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच अ स्कीमा इज मॉडिफाइड एज अ रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट, जब भी मॉडिफिकेशन की बात आएगी, जब भी क्या आएगी, नया कुछ डालने की बात आएगी, क्या आएगा आपका? हमेशा अकोमोडेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये देखिए ऑपरेशनल एसिमिलेशन कंजर्वेशन अकोमोडेशन सब कुछ पूछ लिया आपसे पियागेट के बारे में, इस बार बोल रहे हैं आपको पियागेट पढ़िए तो पढ़ते नहीं है आप लोग, इस बार भले ही नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो अकोमोडेशन आपका आएगा यहाँ पे सही आंसर, जब भी किसकी बात करेंगे, जब भी मॉडिफाइड की बात करेंगे, आपका हमेशा अकोमोडेशन आएगा। अकोमोडेशन यानी कि क्या होता है? एडजस्ट करना, ठीक है। आप जो है पुरानी चीजों को आप देखिए, आप क्या करते हैं, ये आपकी ट्रेन की सीट है या बस की सीट है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले आके बैठ गए वो क्या हुआ है, वो एसिमिलेट हो गए, एंड देन क्या बोलेंगे यहाँ से, मान के चलिए हम आए बोले थोड़ा सा रखिए यहाँ पर,
तो आप क्या करेंगे, आप सरकेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप पहुंच गए, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया और यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यह क्या कर लिया यहाँ पर, यह अकोमोडेट कर लिया कि 5 लोगों की सीट में 6 लोगों को बिठा लिया, 7 लोगों को बिठा लिया, 8 लोगों को बिठा लिया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ऑटोक्रेटिक व्यवहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑटोक्रेटिक व्यवहार की बात हो रही है, आपका PYQ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। शाब्दिक व्यवहार हेतु व्याकरणिक फ्रेमवर्क, वह व्यक्ति जो अकेले कार्य करता है, स्वयं के लाभ हेतु व्यवहार, किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात प्रदर्शित, जो भी है। सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रिफर्स टू अ ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क फॉर वर्बल बिहेवियर, आपके वर्बल बिहेवियर के लिए क्या है, ये एक ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है आपको ऑटोक्रेटिक बिहेवियर यहाँ पर, ठीक है। ये क्या नहीं करता, अ पर्सन हु वर्क्स अलोन, क्या आपको लगता है एक ऐसा आदमी जो अकेले काम करता है उसको आप ऑटोक्रेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, मतलब बिहेवियर फॉर द बेनिफिट ऑफ वन सेल्फ, ये भी नहीं है। बिहेवियर एग्जिबिटेड व्हेन वन मीट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, नहीं, ये तो बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो रिइंफोर्समेंट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, मे बी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल, असर्शन रीजन का, टैबूड वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, परसेप्शन ऑफ द टैबूड वर्ड्स इज डिपेंडेंट ऑन नॉलेज अबाउट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, क्या है सही आंसर यहाँ पर? सही आंसर यहाँ पर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मना कर रहे हैं वो NTA वाले, बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 2, टेबूड वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, ये सही बात है, और परसेप्शन ऑफ टेबूड वर्ड्स इज डिपेंडेंट ऑन नॉलेज अबाउट सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर।